अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फोर टी वी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बलदी इंतखाबात के लिए टीआरएस पार्टी का मंशूर जारी, अवाम से कई वादे। बलदी इंतखाबात की वोटिंग मशीन पर नोटा का बटन नहीं होगा, कमिश्नर जीएचएमसी की वजाहत। शहर में मजलिस की इंतखाबी मुहिम उरूज पर आवाम का गैर मामूली जोश व खरोश, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के दौरे। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की कोशिश, ग्रुप वन ग्रुप टू के निसाब में नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल, मजलिस का एहतजाज, सख्त कार्रवाई का पुलिस ने दिया तयक्कुन। और नाबालिग लड़की के साथ जिंसी तशद्दुद का जिम्मेदार दरिंदा गिरफ्तार, चंद्रायन गुट्टा पुलिस की कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद इंतखाबात के लिए टीआरएस पार्टी ने आज अपना मंशूर जारी कर दिया है। पार्टी के आला कायदीन के हमराह मंशूर की इजराई के बाद मीडिया से बात करते हुए केटी रामा राव ने कहा कि आवाम का एजेंडा ही टीआरएस का एजेंडा है। उन्होंने कहा कि आवाम के ख्वाहिशात और उनकी ज़रूरियात को नज़र में रखते हुए कानून में तरमीम होनी चाहिए। केटीआर ने कहा कि आम आदमी को बदउनवानी जैसी बीमारी से छुटकारा दिलाने की ज़रूरत है और इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाएगा। हैदराबाद को आलमी तर्ज का शहर बनाने के साथ साथ आवाम के ज़रूरियात को भी नज़र में रखते हुए शहर को तरक्की दी जाएगी। टीआरएस के सेक्रेटरी जनरल के केशव राव ने कहा कि टीआरएस पार्टी जो कर सकती है उन्हीं बातों को मंशूर में शामिल किया गया। समाजी इंसाफ के साथ साथ आवाम के ज़रूरियात और उनकी तरक्की के लिए जो भी कर सकते हैं वो इस मंशूर में हमने शामिल किया है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी ने बताया कि रायदही मशीनों पर नोटा का बटन नहीं होगा। कमिश्नर ने बताया कि 150 डिवीजन्स के लिए 7,802 पोलिंग मराकज कायम किए जाएंगे, 45 मराकज जायद रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि 74,23,980 राय दहिंदों के मिन जुमला अब तक 13,87,000 राय दहिंदों को वोटर स्लिप तकसीम की जा चुकी है। बलदी इंतखाबात के लिए कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम चलाने से खुद पार्टी कायदीन ही पीछे हट रहे हैं। 150 डिवीजन्स के लिए असेंबली हलके जात में साबिक वुजरा और अरकाने पार्लियामेंट को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी की मौजूदा हालत और टिकट फरोख्त करने के इल्जामात को देखते हुए कई कायदीन ने खुद को इंतखाबी मुहिम से दूर कर लिया है। यही वो कायदीन हैं जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के दौरे के दौरान पेश न थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हफ्ते को गोलकुंडा, लंगर हाउस और टोली चौकी डिवीजन में तवील तूफानी दौरा करते हुए पार्टी उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाई। सदर मजलिस ने तमाम डिवीजन्स में फर्दन फर्दन आवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। चार घंटों तक चले इस दौरे के दौरान सदर मजलिस की जगह जगह गुलपोशी की गई। मुकामी आवाम ने इस अज़्म का इजहार किया है कि मजलिस की कामयाबी के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पार्टी कारकुनों के अलावा आवाम की कसीर तादाद सदर मजलिस के दौरे में शामिल रही।
قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے شیخ پیٹ ڈیویژن کے علاقوں میں انتخابی مہم چلاتے ہوئے مقامی عوام میں غیر معمولی جوش پیدا کیا۔ ہفتے کو اکبر الدین اویسی نے شیخ پیٹ کے مجلسی امیدوار رشید الدین فراز کی انتخابی مہم میں حصہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مجلس ہمیشہ سے عوام کے مسائل کو اسمبلی اور پارلیمنٹ میں اٹھاتی آئی ہے۔ انہوں نے فردن فردن عوام سے بھی ملاقات کی۔ قائد مجلس کا جگہ جگہ والہانہ استقبال کیا گیا۔ شیخ پیٹ آمد پر اکبر اویسی کا فلک شگاف نعروں سے استقبال کیا گیا۔ دلت طالب علم روہت خودکشی معاملے پر تنقیدوں اور استعفے کا مطالبہ کا سامنا کر رہے بی جے پی کے مرکزی وزیر اب اپنے بچاؤ کے لیے دہشت گردی کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ پارٹی دفتر پر انتخابی مہم کی تشہیر کے لیے تیار کی گئی گاڑیوں کو جھنڈی دکھانے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے دتاتریہ نے کہا کہ حیدرآباد دہشت گرد طاقتوں کا اڈا بن چکا ہے اور مجلس ان طاقتوں کی مدد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس اور ایم آئی ایم کا خفیہ معاہدہ ایم آئی ایم کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دتاتریہ نے کہا کہ مرکزی حکومت کے تعاون کے بغیر حیدرآباد کو عالمی طرز کا شہر بنانا ٹی آر ایس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ بی جے پی کے سابق رکن اسمبلی پریم سنگھ راٹھور اور شیر لنگم پلی تلگو دیشم کے لیڈر بی رمیش اور دیگر ان کے حامیوں نے آج ٹی آر ایس میں شمولیت اختیار کی۔ تلنگانہ بھون میں ریاستی وزراء کے ٹی آر این نرسمہا ریڈی، مہندر ریڈی اور جگدیشور ریڈی کی موجودگی میں دونوں قائدین نے ٹی آر ایس میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کیا۔ ریاستی وزیر کے ٹی آر نے پریم سنگھ راٹھور کے علاقے، ان کے حامیوں اور تلگو دیشم لیڈر کو کھنڈوا پہنا کر پارٹی میں ان کا خیر مقدم کیا۔ واضح ہے کہ پریم سنگھ راٹھور نے دو روز قبل بی جے پی سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر ٹی آر ایس قائدین نے دعویٰ کیا کہ بلدی انتخابات میں گلابی پرچم لہرائے گا۔ تلنگانہ تلگو دیشم کے کارگزار صدر ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ ٹی آر ایس کو عوام سے زیادہ سیاسی مفاد عزیز ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ نمستے تلنگانہ اخبار اور ٹی نیوز قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بالواسطہ طور پر ٹی آر ایس کے لیے مہم چلا رہی ہے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ تلگو اخبار نمستے تلنگانہ میں بے بنیاد خبریں شائع کی جا رہی ہیں، الیکشن کمیشن کو فوری اس سلسلے میں کارروائی کرنی چاہیے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ تلگو اخبار میں نمایاں طور پر ایسی خبریں شائع کی جا رہی ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلگو دیشم پارٹی اس مسئلے پر الیکشن کمیشن سے بھی نمائندگی کرے گی۔ شان رسالت میں گستاخی کی ایک اور کوشش کی گئی ہے۔ امبر پیٹ میں قائم بنڈلہ پبلیکیشنز کی طرف سے گروپ ون اور گروپ ٹو کے نصاب کے لیے اسلام سے متعلق مضمون میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناشائستہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ گستاخ پبلیکیشنز کی طرف سے خاکہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس گستاخی کی اطلاع ملتے ہی رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ کی قیادت میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داروں اور عوام کی کثیر تعداد نے میرچوک پولیس اسٹیشن کے پاس احتجاج کرتے ہوئے بنڈرا پبلیکیشنز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ بعد میں اسی وفد نے ڈی سی پی آفس پہنچ کر ڈی سی پی ساؤتھ زون وی ستیہ نارائنا سے ملاقات کی اور بنڈلہ پبلیکیشنز کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ احمد بلالہ نے کہا کہ فرقہ پرستوں کی طرف سے جان بوجھ کر حالات کو کشیدہ بنانے اور امن کو متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مارکیٹ میں موجود یا اس طرح کے کتب کو فوری ضبط کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ مجلس کے احتجاج پر ڈی سی پی نے تیقن دیا کہ اس حرکت کے ذمہ داروں کے خلاف ناقابل ضمانت مقدمہ درج کیا جائے گا اور انہیں بھی گرفتار کیا جائے گا۔
बाद में मीडिया से बात करते हुए तहफ़ुज़ ख़त्मे नबूवत के जिम्मेदार अरशद अली ने कहा कि पुलिस को फौरी कार्रवाई करनी चाहिए और गुस्ताखी करने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके बाद डीसीपी साउथ जोन ने फौरी कार्रवाई करते हुए गुस्ताखे रसूल को गिरफ्तार कर लिया और मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज करते हुए मीरचौक पुलिस के हवाले कर दिया। मीरचौक पुलिस ने इसको तहवील में लेते हुए मजीद जिम्मेदारों की तलाश कर रही है। समरस्कृति का चरित्रा के सफ़े 120 पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की एक फ़र्ज़ी तस्वीर शाये की गई है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए इंतहाई नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। हमारा मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत का और तमाम कारकुनान तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत और तमाम मुसलमानों का मुतालबा है कि इस किताब को जो बाज़ार में है उसको जब्त किया जाए और बंडला पब्लिकेशन शिवम रोड अंबरपेट पर पाबंदी लगाई जाए और इनको इनके ऊपर क़ानूनी कार्रवाई की जाए कि ये दूसरों के मजाहिब के अंदर आइंदा से मुदाखलत ना करें। इस तरह का सबक दिया जाए। हम पुलिस से और हुकूमत से भरपूर मुतालबा करते हैं कि हमारे नबी की तोहीन को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, लिहाजा जल्द से जल्द इन मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए। आज हैदराबाद सिटी में वर्ल्ड सिटी में हमारा डीसीपी ऑफिस को आके मलकपेट एमएलए जनाब बलाला गारू और ये मजलिस तजुफे खत्मे नबूवत ट्रस्ट तेलंगाना आंध्र का मोहम्मद अरशद अली और अदर रिलीजियस लीडर्स आज हमारा ऑफिस आके एक कंप्लेंट दे दिया है। ये कंप्लेंट विजेता कंपटीशन ग्रुप टू ए बुक के ऊपर दे चुका है। ये मोहम्मद प्रॉफेट के बारे में, उनके हिस्ट्री के बारे में कुछ गलती लैंग्वेज यूज़ कर दिया और मोहम्मद प्रॉफेट फ़ोटो भी पब्लिश कर दिया। ये गलती का बात है और पूरा एविडेंस का साथ ये कंप्लेंट हमारा को दे दिया है। सो इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करके ये मैनेजमेंट का, ये बंडला पब्लिकेशंस बंडला साहिब के ऊपर नॉन अवेलेबल सेक्शन रख के इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। शाम तक उनका नोटिस दे के जो एक्शन ज़रूरत है एक्शन लेने के लिए हम एक दो टीम्स भी लगाया, एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और एक उनके मैनेजमेंट का पब्लिकेशंस का बाद जाके इमीडिएटली पब्लिकेशन को स्टॉप करना और जो आदमी ये गलती लैंग्वेज का डिसरेस्पेक्ट लैंग्वेज का रेस्पॉन्सिबल है उन लोग के ऊपर सख्त कार्रवाई जाने के लिए हम एक टीम को भी भेज दिया है। आज आफ्टरनून में मलकपेट एमएलए साहब अहमद बलाला साहब और साथियों ने एक पुलिस कंप्लेंट दिए थे। एक बुक में विजेता कंपटीशन बनाया सो टीएसपीएससी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम बुक में थोड़ा गलती प्रिंट हुआ और प्रॉफेट मोहम्मद का मोहम्मद जी का फोटो भी डाले थे। दैट इज़ ऑब्जेक्शनेबल, दैट इज़ हर्टिंग द फीलिंग्स ऑफ मुस्लिम्स बोल के एक कंप्लेंट दिए थे। डीसीपी साहब से कंप्लेंट दिए, हम उसके ऊपर एक केस रजिस्टर करें, 295A में एफआईआर इशू करें। ये केस में रिस्पॉन्सिबल पर्सन है बंडला साई बाबा बोल के विजेता पब्लिशर अंबरपेट में चलाते, उनको अरेस्ट करें। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान अंबाजी राम बाबू ने आंध्रा के वजीर सेहत पर तनकीद करते हुए कहा कि सरकारी दवाखाने में वजीर का खानगी तौर पर इलाज होना बाईस से अफसोस है। मीडिया से बात करते हुए अंबाजी राम बाबू ने कहा कि रियासती वजीर के सरकारी दवाखाने में ऑपरेशन का चर्चा किया जा रहा है लेकिन खानगी और कारपोरेट अस्पताल के डॉक्टर को तलब करते हुए ये ऑपरेशन करवाया गया। रियासती वजीर की हरकत से सरकारी दवाखाने की अहमियत और भी कम हो गई है। साबिक रुकने पार्लियामेंट मधु याश्की गौड़ ने कहा है कि टीआरएस का मंशूर देखने में खूबसूरत है लेकिन इससे मूसा नदी की बदबू आ रही है। मीडिया से बात करते हुए एक सवाल में सिर्फ 300 मकानात तामीर किए गए,
इस तरह से 1,00,000 मकानात की तामीर के लिए 500 साल लग जाएंगे। उन्होंने कहा कि डबल बेडरूम मकानात की तामीर का वादा भी बिल्कुल झूठा है। उन्होंने कहा कि बलदी इंतखाबात में 100 नशिस्तों पर कामयाबी का केटीआर का दावा सियासी गुरूर का सबूत है। मधु याशकी गौड़ ने भी इल्ज़ाम लगाया कि गवर्नर भी टीआरएस के सफीर बन चुके हैं। शालीबंडा डिवीजन के मजलिसी उम्मीदवार मुस्तफ़ा अली मुजफ़र की इंतखाबी मुहिम तेज़ी से जारी है। मजलिसी उम्मीदवार ने डिवीजन के अलियाबाद और फलकनुमा का दौरा किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि मजलिस को अपने मसाइल की एक सुई के लिए कामयाब करें। मजलिसी उम्मीदवार का राय दहिंदों की तरफ से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। आजमपुरा में मजलिसी खातून उम्मीदवारा की हिमायत में पार्टी कारकुनों की जानिब से घर घर जाकर मुहिम चलाई गई। आजमपुरा के हलके में मजलिस की इंतखाबी मुहिम के दौरान आवाम की तरफ से गैर मामूली रद्द अमल हासिल हो रहा है। पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। साबिक कारपोरेटर एसए हक नज़ीर ने पार्टी कारकुनों के हमराह कदीम मलकपेट डिवीजन की खातून उम्मीदवारा के लिए कमलनगर, वाहिदनगर और दीगर इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। मजलिसी कारकुनों ने फर्दन फर्दन मुकामी आवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। अकबरबाग बल्दी डिवीजन के मजलिसी उम्मीदवार सैयद मिन्हाजुद्दीन ने कालाडेरा और चंचलगुड़ा के इलाकों में पार्टी कारकुनों के हमराह इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। मिन्हाजुद्दीन ने राय दहिंदों से मुलाकात की और बुनियादी मसाइल की एक सुई के लिए भारी अक्सरियत से मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मिन्हाजुद्दीन के हमराह पार्टी के कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। दबीरपुरा डिवीजन के मजलिसी उम्मीदवार रियाजुल हसन आफंदी के लिए रुकन कौंसिल अल्ताफ हैदर रजवी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। मजलिसी रुकन कौंसिल ने बैरिस्टी खेत और नूरखां बाजार के अलावा दीगर इलाकों का दौरा करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। मजलिसी रुकन कौंसिल और उम्मीदवार का आवाम की तरफ से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। नवाब साहब कुंटा में रुकने असेंबली मौजम खान की क़ियादत में मजलिसी कारकुनों ने पार्टी उम्मीदवार शीरीन खातून के लिए वट्टेपल्ली और दीगर इलाकों में इंतखाबी मुहिम चलाई। मौजम खान ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। अंबरपेट डिवीजन के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद ने पटेल नगर इलाके का दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की।
मुकामी आवाम की तरफ से मजलिसी उम्मीदवार का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। आवाम ने तयकुन दिया कि आवाम के दरमियान रहने वाली जमात के मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब करने के लिए वो पूरा तआवुन पेश करेंगे। रुकने असेंबली मोहम्मद मौजम खान ने फलकनुमा डिवीजन की मजलिसी उम्मीदवारा ताराबाई के लिए गुंटाल शाह बाबा दरगाह और इसके आसपास के इलाकों में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। पार्टी कारकुनों ने इस मौके पर घर घर जाकर राय दहिंदों से राबता किया और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। पुराना पुल के मजलिसी उम्मीदवार राजमोहन ने हुसैनी आलम और दीगर इलाकों में राय दहिंदों से मुलाकात की। मजलिसी उम्मीदवार ने आवाम को तयकुन दिया कि मुंतखब होने पर वो उनके मसाइल की एक सुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की रहनुमाई में आवाम की खिदमत का अज़्म जाहिर किया। दूधबावली डिवीजन के मजलिसी उम्मीदवार मोहम्मद गफ्फार ने उस्मान बाग बंदलगुड़ा और दीगर इलाकों में पार्टी मुहिम में हिस्सा लिया। मुकामी आवाम की तरफ से मोहम्मद गफ्फार का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। उन्होंने आवाम को तयकुन दिया कि मजलिस आवाम के हर मसले की एक सुई के लिए काम करती आई है और आइंदा भी करती रहेगी। मुगलपुरा डिवीजन में खातून मजलिसी उम्मीदवार के लिए पार्टी कारकुनों की तरफ से राय दहिंदों से मुलाकात का सिलसिला जारी है। सैकड़ों कारकुनों ने तालाब कट्टा और दीगर इलाकों में राय दहिंदों से राबता किया और मजलिस की उम्मीदवारा को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। सोमाजी गुड़े की मजलिसी उम्मीदवारा के देवी ने अपने डिवीजन में राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। सोमाजी गुड़े से मुकाबला कर रही देवी को आवाम ने मजलिस के टिकट पर मुकाबला करने पर मुबारकबाद भी दी है। मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद उनके हमराह मौजूद थी। पत्थरगट्टी डिवीजन के मजलिसी उम्मीदवार महमूद कादरी की इंतखाबी मुहिम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा जा रहा है। साबिक कारपोरेटर मोहसिन बलाला के हमराह महमूद कादरी ने मुगलपुरा फेयर स्टेशन और इसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। मुकामी आवाम की तरफ से मजलिसी उम्मीदवार का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। महमूद कादरी और मोहसिन बलाला ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की।
तालाब चिंचलम की मजलिसी उम्मीदवारा नसरीन बेगम ने भवानीनगर और अमाननगर के इलाकों में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। हलके की कदीम और हरकियाती मजलिसी कारकुन नसरीन बेगम को अवाम की तरफ से ज़बरदस्त रद्द अमल हासिल हो रहा है। मजलिसी उम्मीदवारा ने अवाम से राबता करते हुए उन्हें इस बात का यकीन दिलाया है कि डिवीज़न के हर तरह के मसले की एक सुई के लिए वो खुद को वक्फ कर देंगी। शास्त्रीपुरम के मजलिसी उम्मीदवार मिसबाउद्दीन ने अपने डिवीज़न के हसन नगर, रघुवेंद्रा कॉलोनी और दीगर इलाकों में घर घर जाकर राय दहिंदों से राबता किया और मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अवाम ने तयकुन दिया कि वो उन्हें पूरा तावुन करेंगे। पार्टी कारकुनों ने भी राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए 2 फरवरी को राय दही के अमल में हिस्सा लेने की दरख्वास्त की। रुकने असेंबली कौसर मोहीउद्दीन ने नानल नगर डिवीज़न में पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद नसीरुद्दीन के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। रुकने असेंबली ने अवाम से मजलिस को कामयाब बनाने की अपील की। मुकामी अवाम की तरफ से रुकने असेंबली और उम्मीदवार का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। मजलिस की जानिब से संगारेड्डी के 4 स्कूलों में सालार मिल्लत मॉडल पेपर्स की तकसीम टाउन सदर ख्वाजा निज़ामुद्दीन और अराकीन बल्दिया के हाथों अमल में आई। स्कूल्स के हेडमास्टर्स ने मीडिया को बताया कि मजकूरा मॉडल पेपर्स से तुलबा को इम्तहानात की तैयारी में काफ़ी मदद मिल रही है, जिसकी वजह से उनके स्कूल के नतायज 90% तक पहुँच चुके हैं। तुलबा ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि गरीब तुलबा के लिए मॉडल पेपर्स काफ़ी अहमियत रखते हैं। जगतगीत गुट्टा पुलिस ने इंतखाबात के दौरान बिला इजाज़त इस्तेमाल करने वाली एक कार और एक मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। जब्त शुदा मोटरसाइकिल का ताल्लुक TRS पार्टी से है, जिस पर गुलाबी रंग करके लाउड स्पीकर्स लगाए गए हैं, जबकि कार कांग्रेस पार्टी की है। शिद्दत पसंद तंजीमों से रवाबित के तहत तहवील में लिए गए 4 नौजवानों को हफ्ते को नामपल्ली की अदालत में पेश किया गया। मोहम्मद नफीस खान, मोहम्मद शरीफ मोहीउद्दीन और दीगर 2 नौजवानों को NIA ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली ले गई है। गिरफ्तार किए गए एक शख्स की अहलिया वहीदा शम्स ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रात 3:30 बजे आकर उनके शौहर को तहवील में लिया गया। वहीदा ने बताया कि उनके घर की भी पूरी तलाशी ली गई थी, लेकिन कोई भी मुश्तबा शय पुलिस को दस्तियाब नहीं हुई। उनका कहना था कि सुबह 11 बजे तक छोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन उन्हें नहीं छोड़ा गया। उनका कहना था कि उनके शौहर बिल्कुल बेकसूर हैं और उन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तहवील में लिए गए 2 नौजवानों के वकील सैफुल्लाह खालिद ने बताया कि NIA ने हफ्ते को 4 अफराद को नामपल्ली अदालत में पेश किया और NIA उन्हें 3 दिन की ट्रांजिट पर दिल्ली ले गई है। सैफुल्लाह खालिद ने बताया कि अभी गिरफ्तार किए गए नौजवानों पर लगाए गए इल्जामात के बारे में पता नहीं चला है। रिमांड डायरी आने पर ही इस बात का पता चल सकता है। जगतगीर गुट्टा पुलिस ने 3 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया है। ACP बालनगर पुलिस M नरसिम्हा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान 3 मुश्तबा अफराद जय श्रीनिवास, राकेश और साई कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वो सारिक निकले। इन तीनों ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है।
नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि ये तीनों दो मकानों में और 7 स्कूलों में सरके की वारदातें अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 7 लाख रुपये मालियती अशिया, जिनमें 2 मोटरसाइकिलें, लैपटॉप्स के अलावा दूसरी अशिया भी शामिल हैं, बरामद कर ली है। चंद्रैन गुट्टा पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ जिंसी तशद्दुद करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एसीपी फलकनुमा पुलिस एमए बारी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने फूलबाग के रहने वाले 24 साला अब्दुल कादिर बिन अवध अल बिकरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की तफ्तीश पर इसने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया है। तफ्तीश पर पता चला कि गिरफ्तार शुदा शख्स एक 8.5 साल लड़के और एक 5 साल लड़की को भी अपनी दरिंदगी का निशाना बना चुका है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर, बलद इंतखाबात के लिए टीआरएस पार्टी का मंशूर जारी, अवाम से कई वादे। बलदी इंतखाबात की वोटिंग मशीन्स पर नोटा का बटन नहीं होगा, कमिश्नर जीएचएमसी की वजाहत। शहर में मजलिस की इंतखाबी मुहिम उरूज पर अवाम का गैर मामूली जोशो खरोश, सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के दौरे। शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की कोशिश, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के निसाब में नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल, मजलिस का एहतजाज, सख्त कार्रवाई का पुलिस ने दिया तयकुन। और नाबालिग लड़की के साथ जिंसी तशद्दुद का जिम्मेदार दरिंदा गिरफ्तार, चंद्रैन गुट्टा पुलिस की कार्रवाई। और इसी के साथ ही फोटीवी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।